हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स का क्लाइमेट वाला पार्ट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पेरेंट मटेरियल और टोपोग्राफी के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में, यानी कि जो सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है उसमें क्लाइमेट कितना बड़ा फैक्टर वेरी करता है सॉइल के फॉर्मेशन में जो जगह जगह बनती है। जैसे टोपोग्राफी में हमने पढ़ा कि अलग अलग लोकेशंस की अलग अलग सॉइल फॉर्मेशन होती है, लेकिन क्लाइमेट भी अगर अलग अलग जगह का है, जैसे कहीं पे बरसात है, कहीं पे बर्फ पड़ रही है, कहीं पे गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसकी सॉइल फॉर्मेशन भी अलग अलग देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, उसी को अब हम जानेंगे थोड़ा। तो बेसिकली द क्लाइमेट एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन सॉइल डेवलपमेंट आर मॉइस्चर इन टर्म्स ऑफ इट्स इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन इवेपोरेशन एंड ह्यूमिडिटी। यानी कि जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर जो मॉइस्चर है, जितना भी वेटनेस है, यानी कि जितना ज्यादा पानी देखने को मिलेगा वो डिपेंड करता है वहां के सॉइल के फॉर्मेशन में। उसके अलावा टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ सीजनल एंड डियोर्नल वेरिएशन, यानी कि जो टेम्परेचर है, तो एक हमने पढ़ा प्रेसिपिटेशन और एक टेम्परेचर, ये दो पार्ट्स वेरी करते हैं, यानी कि अगर प्रेसिपिटेशन ज्यादा हो रही है तो वहां की सॉइल का फॉर्मेशन कैसा होगा, कहीं पे बरसात होती है, कहीं पे थोड़ी ज्यादा होती है, कहीं पे बहुत ज्यादा होती है, तो तीनों जगहों का फर्क पड़ेगा, वेरी करेगा क्या वहां की सॉइल फॉर्मेशन का। ठीक उसी तरीके से टेम्परेचर जहां पे ज्यादा होगा तो उसका भी वेरी करेगा कि किस तरीके से वहां पे सॉइल पड़ेगी। अब मान लीजिए एक जगह पर टेम्परेचर इतना ज्यादा पड़ रहा है कि बारिश बिल्कुल नहीं होती है, जैसे कि डेजर्ट, तो वहां की सॉइल आप देखेंगे कैसी अलग है। एक जगह है जहां पे बारिश भी अच्छी होती है और टेम्परेचर भी अच्छा खासा रहता है, तो वहां का सॉइल फॉर्मेशन अलग है, तो ये सारी चीजें वेरी करती है। तो इसको दो पार्ट्स में है, तो जैसे पहला हमारा प्रेसिपिटेशन को पढ़ेंगे, फिर टेम्परेचर को पढ़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट इसकी लिख दी है। अच्छा, इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोग, जितने भी ये वाले पार्ट्स को छोड़ दीजिए, यहां से देखिए जितने भी मैंने ब्लू लाइन खींची हुई है, ये कुछ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वन मार्क्स में आ सकते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि अगर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें से आ सकते हैं, जैसे डिजिलिफिकेशन, या ये सारी चीजें बताऊंगा एक करके। तो प्रेसिपिटेशन से क्या होता है, मॉइस्चर आता है, मॉइस्चर होगा तो केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। हमने पढ़ा था ना लास्ट वीडियो में कि मिट्टी में जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, H2O कार्बन से रिएक्ट करेगा वो सारी चीजें, या फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटी बैक्टीरिया पनपेंगे। जैसे आप लोग कभी अगर नोटिस करें, अगर कभी आप किसी जंगल वाले एरिया दिल्ली वगैरह में भी अगर आप रहते हैं या कहीं और रहते हैं आप किसी और स्टेट में, तो आप किसी एक नॉर्मल एक एरियाज होते हैं, जैसे आर्मी कैंट एरियाज होते हैं या कोई कैंपस एरिया होता है जहां पे जंगल ज्यादा देखने को मिलता है, तो आप नोटिस करना बरसात के महीने में जाके, ठीक है, तो वहां क्या देखने को मिलेगा आपको, आप जब वहां से थोड़ा जंगल वगैरह में से निकलेंगे तो आप नोटिस करना वहां पे आपको काई, जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं, फंगस लगी मिलेगी, तो वहां पे आपको ज्यादा वेट एरिया है तो वहां पे आपको क्या है काई, अब काई एक तरह का बैक्टीरिया होता है, तो ये बैक्टीरियाज वगैरह ज्यादातर वेट एरिया में ही पनपते हैं जहां पे इस तरीके की चीजें होती है, ठीक है। अब इंडिया में की बात करूं या फिर मैं पूरे अर्थ की बात करूं, तो ट्रॉपिक रीजन क्या है, इक्वेटर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, वहीं बरसात होती है, तो वहीं वेजिटेशन देखने को मिलता है, जैसे अमेजोन फॉरेस्ट है हमारा, ठीक है, अफ्रीका में, तो उसी के चलते हुए सारी चीजें होती है। फिर आता है एक्स, अब यहां तक तो हो गया कि पानी अगर मॉइस्चर आ रहा है तो उससे बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है और एक्सेस वाटर सप्लाई हो रही है, यानी ज्यादा पानी बह रहा है, तो क्या होगा, इलुविएशन और इलुविएशन। अब ये दोनों होते क्या है, देखो सिंपल है, इलुविएशन मतलब चीजों का रिमूवल होना एक जगह से और दूसरी जगह पर डिपॉजिट होना, तो उसको इलुविएशन कहते हैं। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए माउंटेन्स की बात करूं, माउंटेन में सबसे ज्यादा बरसात अगर मान लीजिए हो रही है तो क्या हो रहा है, वहां से डिपॉजिट जो है जितने भी सेडिमेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके साथ बह जाएंगे और वो फिर एक जगह पे जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे, तो उसी को बोलते हैं जब कोई वहां से सेडिमेंट्स या जितने भी न्यूट्रिएंट्स रिमूव होने को इलुविएशन कहते हैं, और इलुविएशन कहेंगे जहां पे डिपॉजिट होंगे, तो बरसात होगी, ज्यादा बरसात होगी, ज्यादा पानी बह रहा है, बाढ़ आ रहा है, तो सारे सेडिमेंट्स बह जाएंगे, तो वो एक प्रोसेस हो गया। तो उसके चलते हुए जैसे कि मैंने कहा ये एग्जांपल बताया था आपको लास्ट वीडियो में टोपोग्राफी में, नदन प्लेन्स में माउंटेन से बह के पानी आया, नदियों का कह लो या समुद्र का, ये सॉरी नदियों का कह लो, बरसात का कह लो, तो सेडिमेंट्स बहकर आए और वो नदन प्लेन में इकट्ठे हो गए, तो वहां पे सॉइल का फॉर्मेशन अलग लेवल का हो गया, ठीक। उसके बाद आता है इसी के चलते हुए रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम सॉइल इन इक्वेटोरियल रीजन, तो इक्वेटोरियल रीजन में सिलिका वगैरह जिसको होता है, तो रिमूवल ऑफ सिलिका को हम बोलते हैं डिजिलिफिकेशन, तो ये एक वर्ड होता है जब सिलिका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, कार्बन हाइड्रेट हो गया, ये सारी चीजें जब रिमूव होती है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, तो सॉइल फॉर्मेशन बनाएंगी। उसके बाद आता है इन ड्राई क्लाइमेट इवेपोरेशन एक्सीड प्रेसिपिटेशन, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए राजस्थान का एग्जांपल लेते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे ये, अब इसको पूरे को मैं कनेक्ट करूंगा, ध्यान से समझिएगा, अगर आप लोग कभी राजस्थान गए हो, मैं डेजर्ट एरिया की भी नहीं बात कर रहा, मैं आप थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा मतलब जैसे अजमेर की बात कर लीजिए या थोड़ा पाली रीजन एक दो जगह है, ठीक है,
वहां की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे आपको कंस्ट्रक्शन का जो सामान होता है, जैसे होता है ना ये रोड़ी बदरपुर रोड़ी वगैरह होती है, कंकड़ जिसको हम बोलते हैं, वो वहीं पे ज्यादा मिलते हैं आपको। अब ध्यान से सुनना कैसे है, देखिए होता क्या है कि वहां पे ड्राई रीजन है, वहां पे बरसात नहीं होती है, प्रेसिपिटेशन नहीं होती है वहां पे, और टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, तो क्या होता है पानी सारा इवेपोरेट हो जाता है, बरसात हो नहीं रही है। अब जब पानी खत्म हो गया तो फिर क्या होगा, ये सरफेस है, पानी खत्म हो गया तो ग्राउंड वाटर में तो पानी होता है ना, तो फिर उस पानी को भी खींचने लगता है, तो उस पानी के अंदर जो सॉल्ट मटेरियल होता है वो यहाँ सरफेस पे आ जाते हैं इसके चलते हुए, और इसके साथ फिर वो क्या करते हैं केमिकल रिएक्शन करते हैं, जिसके चलते हुए क्या होता है ड्यू टू दिस कंडीशन कैल्शियम कार्बोनेट नोड्यूल्स बनते हैं जिसको हम कंकड़ कहते हैं, सफेद कलर के होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको इसी रीजन में, राजस्थान के रीजन में, ठीक है ना, और इसी के चलते हुए तो इसको बोलते हैं। और ये जो सॉल्ट छोड़ देता है उसको हम हार्ड पेंस बोलते हैं, और जो ग्राउंड वाटर पानी जो सरफेस पर आ जाता है उसको हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, ठीक है, तो ये ब्लू वर्ड्स इनको समझ लीजिएगा। उसके बाद तो इसके चलते हुए ये कंकड़ देखने को मिलते हैं। तो ये तो पार्ट था जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें प्रेसिपिटेशन किस तरीके से होता है, जहां होता है वहां कैसा होता है, तो मैंने तीन कंडीशंस बताई, एक तो बताई मैंने आपको मॉइस्चर होगा तो केमिकल रिएक्शन बायोलॉजिकल होगा, दूसरा ज्यादा बरसात होगी तो इस तरीके के डिपोजिशन और ट्रांसपोर्टेशन होंगे, और तीसरा जब ज्यादा बरसात होगी सॉरी बरसात ही नहीं होगी तो किस तरीके के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट कंकड़ जैसी चीजें बनती है वहां पे सरफेस में, क्योंकि बरसात नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेशन होने की वजह से किस तरह की सॉइल, अब तीनों जगह की सॉइल का फॉर्मेशन अलग अलग होगा इस वजह से, ठीक। अब बात करेंगे टेम्परेचर की, प्रेसिपिटेशन मैं आपको बता दिया तो टेम्परेचर का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, हमारा जो पूरा का पूरा अर्थ है, अगर अर्थ में हमारा जो ट्रॉपिक रीजन है ये मैं यहाँ नहीं थोड़ा यहाँ बना देता हूँ बड़ा, तो ये मान लीजिए अर्थ है हमारी, तो ट्रॉपिक रीजन में ही हमारा सबसे ज्यादा क्या होता है टेम्परेचर सबसे ज्यादा सन एरियाज यही होती है, तो सबसे ज्यादा बरसात यही होती है, पर ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे रीजन में ही बरसात होगी, जैसे इंडिया हमारा यहाँ लाई करता है तो इंडिया में ऐसा तो नहीं है कि सारे में बरसात हो रही है, ठीक है ना, तो इस पूरे रीजन में नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द रीजन में बरसात देखने को मिलेगी, ठीक है, यहीं पे सबसे ज्यादा होगी इन ऊपर और नीचे के मुकाबले, ठीक। तो टेम्परेचर क्या करता है, या तो टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब अगर बरसात ज्यादा होगी तो केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, सिंपल सी बात है, मॉइस्चर आएगा, और बरसात नहीं होगी लेकिन टेम्परेचर ज्यादा, जैसे राजस्थान में, तो वहां पे क्या होगा केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कम देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। और ट्रॉपिकल सॉइल, इसी के चलते हुए ट्रॉपिकल सॉइल यानी कि यहाँ की जो सॉइल होती है उसके टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसकी डीपर प्रोफाइल का मतलब होता है सॉइल का ना काफी सारी लेयर्स बन जाती है, जैसे मान लीजिए ये सॉइल की लेयर होगी, जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था ना इंटीरियर ऑफ द अर्थ में काफी सारी लेयर्स होती है हमारी अर्थ की, तो इसमें भी सॉइल की आपको काफी सारी लेयर देखने को मिलेगी इस तरीके से, अलग अलग सॉइल, ठीक है। और अगर बात करूं टुंड्रा सॉइल की, टुंड्रा सॉइल की ऊपर की जो सॉइल होगी यहाँ के भाग की, तो वहां टेम्परेचर कम रहता है तो वहां पे लार्जर ब्रोकन मटेरियल्स ज्यादा देखने को मिलेंगे, यानी कि वहां पे इतनी लेयर देखने को नहीं मिलेगी, सॉइल बहुत कम, उसके बाद बड़े बड़े वेदरिंग वाले रॉक्स ही मिलेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो ये फर्क होता है दोनों जगहों में, यहाँ पे ट्रॉपिक में और टुंड्रा में, इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे सॉइल्स के छोटे छोटे सेडिमेंट्स बन जाते हैं, यहाँ बड़े 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 उसके बाद थोड़ी बहुत सॉइल देखने को मिलेगी, तो यहाँ वेदरिंग भी कम होती है, दूसरा यहाँ पे सॉइल आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। तो यही था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया क्लाइमेट में आपको प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर के बारे में, आई होप आपको चीजें सारी क्रिस्टल क्लियर होगी होंगी। यही था मेरा टॉपिक, और अगली वीडियो में हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी और टाइम के बारे में वो अगली वीडियो में जानेंगे। तो इतना ही था आज इस टॉपिक में, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।